स्वीटी का मन ना थोड़ा उदास है, तो उससे बात कर लेगा ना तो उसका मन हल्का हो जाएगा। अभी मुनि बाबू घर से निकल गए होंगे, देखिए ये चांस मत मिस कीजिए। जरा ये खीर चख के देख तो, मीठा हुआ है। अरे अम्मा हम चख लेते हैं ना खीर। ए बब्बू तू जा छोटी सी बात कर। इंजन बंद हो गया है। निमकी ले लोटा, बात तो होगा। अरे कुछ कोशिश करो भाई। ए जरिया, बाहर गाड़ी के स्टार्ट कर रहा है रे। चलो चलो चलो। ए कौन है रे? भैया ये गाड़ी तो बाहर खड़ा था, हम उसको मना किए थे, यहाँ से हटाने के लिए बोले थे, पता नहीं कैसे अंदर आ गया। कोई भी गाड़ी अंदर ले आता है तो मुंह ताकता रहता है। ए बब्बू, अरे बेटा पंडित को देखना, बोला क्या रहा है और अब फोन मन करके बैठा हुआ है। अरे सबका मन बढ़ते जा रहा है। हा? अरे हम तो उनको बोले थे टाइम पे आने के लिए। पंडित रा, ए जरिया क्या उठा के ला पंडित को। कुछ नहीं बेटा। क्यों? मतलब? मतलब आप स्वीटी आंटी के लिए कुछ भी नहीं सोचे? ना उनके लिए रूम सजाए, ना उनके लिए कोई गिफ्ट खरीदे? बेटा ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि। कोई बात नहीं पापा, शादी के बाद मैं और हम सब घूमने चलेंगे। वो तो मेरी मम्मी है ना पापा? हाँ बेटा, और बेटा आप अपनी मम्मी की बात मत करिएगा उनसे प्लीज। क्यों? शायद उन्हें अच्छा ना लगे बेटा। नहीं शायद वो समझ पाएंगे। आप अपनी मम्मी की बात कर सकती हो उनसे। और क्या, बहुत स्वीट है स्वीटी आंटी। आई मीन मम्मी।
कीजिएगा। अरे दीदी उसका चिंता मत कीजिए, उसको ना कुछ याद नहीं रहता। रुकिए दिखाते हैं। दिनेश हम लोग कहाँ जा रहे हैं बाबू? आप बोले थे ना पटना से सवारी लाना है। बहुत बढ़िया, शाबाश, चलते रहो। गजब, अभी बताओ कि हम इनको कहाँ से लाए हैं? ये तो गणेश भैया की साली है ना। इन्हीं को ही लाना था पटना से। हाँ। तो इसका मतलब हम पटना से घर जा रहे हैं। अरे गाना हम नाम सोनियो रे, उजारिया सोनियो रे, उजारिया शाम को फिर किस चोरी चोरी नंगे पांव आएगा। का गाना है पता है, हमारा हमेशा ऐसे बिस था कि हम भी भाग के शादी करें लेकिन नहीं कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, भगा के तो शादी करा रहे ना हम। ठीक से देखना क्या हो गया, गाड़ी को भी सड़क में बंद होना था। पंडित कुछ तो गड़बड़ है, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मालिक। दुल्हन का कपड़ा, साथ में पंडित और आगे मंदिर में मालिक। 100% गड़बड़। स्वीटी जी, हाथ से आपका खेला खत्म। ना सिर्फ हम हवेली में वापस आ गए हैं बल्कि आज से आपके नाम का रजिस्ट्री फिर से हमारे नाम से हो जाएगा। ए महाराज, नरसिंह जी का हाल है? अरे अपना बताइए। अरे महाराज हम तो आपसे मिलने गए थे राजपथ। आप हुआ थे वे नहीं किए, उसे बोला कि आप चले गए, कहाँ हैं? अरे हम जहाँ हैं खुश हैं, आप बताइए। कहाँ बताएं? ऐसे वो खबर देना था आपको। लगता है आपका पत्ता जो है हमेशा के लिए कटने वाला है हवेली से। अच्छा? हाँ। अरे हमको काहे ऐसा लग रहा है कि तेतर सिंह अपनी बेटी, अरे भाई जो आपकी पत्नी थी, उसका किसी और से शादी करा रहा है। करा रहे हैं ना? हम ही से। आप ही से हो रहा है? वापस दूल्हा हम ही बन रहे हैं। ओहो, तो मंदिर में कर रहे हैं शादी? अरे तो हम भी ही हैं, आते हैं हम। अरे नहीं नहीं, यहाँ हवेली में ही हैं, यही शादी हो रहा है। का? अगर शादी हवेली में हो रहा है तो ये स्वीटी निमकिया के साथ मंदिर की तरफ काहे गई है, वो भी दुल्हन बन के। मतलब अरे का हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हुआ दूल्हा बन के बैठे हैं, इधर चिड़िया उड़ गई फुर्र। नरसिंह जी हम आपसे बाद में बतियाते हैं। स्वीटी जी, स्वीटी जी, स्वीटी जी, जल्दी देख क्या हो रहा। हाँ। वीडियो
कहाँ जा रहा है? अरे महाराज बताइएगा कहाँ हुआ है? अरे चलिए भाई, हवन कुंड भी रेडी है। और अरे निम फूल कहाँ है? अरे फूल तो वही है निम की, ला रहे हम। अरे ला रहे निम की, सब ला रहे, तुम चिंता मत करो। अरे चुन्ने बाबू, तुम हमको कहाँ फंसा रहे हो? तेतर सिंह हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ तो कहा हम छोड़ देंगे, जल्दी शुरू कीजिए आप। पापा देखिए, चलिए भाई, देखिए शादी उतना देर में करना होगा जितना देर में नूडल्स बनता है। अरे फास्ट फूड का जमाना है भाई, चलिए चलिए आइए। देखिए पंडित जी, आप बिना कोनो लंबा वाला मंत्र लेकर शुरू मत हो जाइएगा, चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ के बैठ जाइए। मगर दीदी कहीं का आपको एक और खबर देना था। अरे वो वीडियो अभी पीछे पीछे गया है शेरवानी पहन के। अरे यहाँ जमीन में गड्ढा खोदने से क्या होगा? स्वीटी कहाँ है ये बताइए। क्या पका के ले गई है स्वीटी जी को मंदिर? वो वीडियो से शादी करा दे। बाप रे, उसका ये हिम्मत। स्वस्ति न इंदो हृदय शर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। ओम अग्निं दूतं पुरोरदे हत्यवाहमुपब्रुवे देवाङ्गम् आसाद। एक पुष्प लीजिए, आप भी लीजिए। ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शिराव के ध्वान सर्वगणं स्वस्ति। ओम भूर्भुवस्वः अग्नये नमः आत्मसनि। आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझी हूं? हम लोग के इज्जत का, मान सम्मान का एक को जरा ख्याल नहीं रहा उसको। बाजी तो हद पार कर गई लड़की, ऐसा हॉल करेंगे ना कि जिंदगी भर याद रखेंगी। चलिए भैया, आज मार देंगे वो वीडियो को ही। वीडियो नहीं, पहले सजा स्वीटी को मिलेगा। जो हमरा मान नहीं रख सकती वो हमारी औलाद नहीं। बब्बू खड़ा का है, जाके रो की दिया। कोई यो हाल में ही शादी नहीं होना चाहिए, नहीं तो घाट टोला वाली
कौड़ी की छौड़ी। हमरे सामने सीना तान के घूमेगी। सोच का रहा है बब्बू, ये हमरे खानदान का इज्जत का सवाल है। अगर इस शादी रोकने के लिए अपनी बहन को मारना भी पड़े ना बब्बू, मार दे। नहीं, नहीं, मारने मारने का बात मत कीजिए आप लोग। ना समझ है। का ना समझ है? कुछ ना समझ नहीं है, जानबूझ के हमारा इज्जत उछाल रही है। अपने दिल से अपने बात को हटा के वीडियो को बिठा रही है। नहीं नहीं, ये दिल में गोली मारना, बस हम उसका लाश देखना चाहते हैं। अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पहले आप पहनाइए। हाँ, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुत्रेकाशाय मंगलाय। आज दीदी हमको भी धोखा दे दी, हमारी पीठ पे छुरा घोंपी, छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ भैया, दीदी इतना बड़ा कदम उठा लेगी हम सोचे नहीं, और ये सब उन निमचिया की वजह से। उन निमचिया ही पढ़ाई है दीदी को पटके। बाकी के अन्य विधियां संपन्न करने के लिए आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। अब इन दोनों जन का गठबंधन कर दीजिए। चल। ओम गणानंद गणपति गुंगवामहे प्रियनाथ पापियपति गुंगवामहे वसो मम अहम जानी गर्भधमा त्वम जासी गर्भधम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वासाद्के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कन्यादान की विधि कौन संपन्न करेगा?